तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KVS के बारे में, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन। एक यह विद्यालय है जो हाई लेवल का विद्यालय होता है, जो सभी स्टूडेंट को इसमें एडमिशन लिया जाता है। 1 से लेकर 10, 12 जो भी है इसमें एडमिशन लिया जाता है, और एडमिशन के माध्यम से इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। यानी कि सभी पेरेंट लोग यानी गार्जियन लोग सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा मार्क्स लाए और अच्छे परफॉर्मेंस करें। तो इस वीडियो में आज बताऊँगा कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, इसका कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक इसका लास्ट डेट है। साथ ही साथ में इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और कैसे कैसे इसका एडमिशन होगा, और इसमें आपको बच्चा का इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से इस वाले वेबसाइट पर आप डायरेक्ट चले आएंगे। आने के बाद मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताता हूं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि यहां पर बताया गया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS क्लास 1 एडमिशन फॉर्म 2022, यानी कि जो 22 से 23 सेशन जो स्टार्टिंग है क्लास 1 के लिए, उन सभी का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 28 फरवरी 2022 से यहाँ पर स्टार्ट है, 10 बजे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, यानी कि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ी बच्चों को यहाँ पर फ्री में है, यानी कि जनरल हो, OBC हो या SC हो या ST हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी का यहाँ पर पेमेंट 0 रुपये है, यानी कि कोई भी पेमेंट यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एडमिशन फॉर्म यहाँ भरने के लिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट में आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है 28 फरवरी 2022 से, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि यानी कि इसका लास्ट डेट कब तक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है 21 मार्च 2022 तक। यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर लिस्ट नोटिफाई जल्दी, यानी कि जल्द ही सिलेक्टेड हो जाएगा, यानी कि जो भी एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है शॉर्ट लिस्टेड, उसका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के बाद जारी किया जाता है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट यानी कि होना चाहिए 31/3/2021 के अंतर्गत आपको यहाँ पर बच्चे का एज मिनिमम यानी कम से कम आपको 6 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल होना चाहिए क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि जब आप बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो आपके बच्चे का एज जो है आपको कम से कम 6 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल होना चाहिए, इस डेट के अनुसार जो यहाँ पर 31/3/2021 दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में यहाँ पर कि ओनली क्लास फॉर 1 एडमिशन, यानी केवल यहाँ पर एक क्लास में एडमिशन के लिए, यानी कि केवल 1 क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए है केवल ये। और यहाँ पर जानेंगे जैसे कि और यहाँ पर एलिबिलिटी की बात किया जाए तो यानी कि योग्यता के क्या होना चाहिए यहाँ पर दिखाया गया है। कैंडिडेट एज बिटवीन 6 से 8 साल 31 मार्च 2022 आर एलिबल टू फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि 31 मार्च 2022 तक पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है, जैसे कि मैं आप सभी को शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द रीड द फुल नोटिफिकेशन ऑफ बिफोर अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। आधार कार्ड इज कंपलसरी इन KVS नर्सरी एडमिशन 2022-23, यानी कि जो भी स्टूडेंट होगा उस स्टूडेंट को इस स्कूल में एडमिशन के लिए आपको आधार कार्ड नेसेसरी है। स्टेप में यहाँ पर बात करें तो ओपन द एडमिशन ऑनलाइन लिंक एंड चूज योर अप्लाई स्कूल, एंटर योर रिक्वायर्ड डिटेल, यानी कि डिटेल को फिलअप करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ अपलोड डॉक्यूमेंट वाले दिखा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन वाले पेज पर, यहाँ पर या तो मैं नोटिफिकेशन पेज ओपन करके रखा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आप हिंदी चाहे तो इंग्लिश यहाँ पर अपने अनुसार कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी कर रखा हूँ, हिंदी करने के बाद मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन में कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आवेदन हो सुचारू रूप से यहाँ पर कृपया तैयार रहें। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, भारतीय सिम कार्ड वाला एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक मोबाइल नंबर होगा जो आपका अपने इंडिया का ही होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट में बात करते हैं, वैध एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक आपके पास ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन, यानी कि एक बच्चे का फोटो चाहिए एक पासपोर्ट साइज में, जो आपको अधिकतम 256 KB का साइज होना चाहिए JPG फाइल में। जो ये अपलोड करेंगे उनको ये जो कैफे वाले को काम है यहाँ पर काम करना कि यहाँ पर JPG या PNG लेते हैं, आपको केवल काम है यहाँ पर फोटो एक बच्चे का दे देना जो एक डिजिटली रूप से सही हो। इसके बाद चौथा में बात किया जाए तो चौथा में यहाँ पर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैनिंग,
यानी कि जन्म प्रमाण पत्र एक बच्चे का चाहिए, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर पाँचवा नंबर में बात किया जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब नीचे हैं तो उनका यहाँ पर BPL या EWS में यानी आवेदन कर रहे हैं, यानी कि उनका BPL या EWS या BPL इस समय नाम आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर छठा में बात किया जाए तो यहाँ पर माता या पिता का स्थानांतरण का विवरण उनकी सेवा वैध यानी कि लागू है तो आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना चाहिए अगर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो तो। अब यहाँ पर बात किया तो आवेदन पत्र जमा करने के दो मुख्य चरण शामिल है। यहाँ पर बताया गया ए में यहाँ पर देखेंगे पोर्टल पंजीकरण करके वहाँ से आप कर सकते हैं या तो आवेदन भरने और जमा करने का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी अगर वीडियो चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जैसे ही कमेंट करके बताएंगे अधिक से अधिक कमेंट होने पर आप सभी को मैं एक संपूर्ण रूप से कंप्लीट जानकारी के साथ एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो भी फ्री में। तो अगर इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट रख लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो अगर चाहते हैं अप्लाई करने के लिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मन में किसी भी तरह का सवाल होगा अभी भी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा।